है शाम का टाइम और मैंने अभी मिक्सी में बनाई हूँ मैंगो शेक। तो ये देखिए, ये मैंगो अभी एक छीली हूँ लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है। कलर वो वाला नहीं आ रहा है जैसे मतलब होता है ना मार्केट में, कलर वो नहीं आता है क्योंकि हम दूध दूध सब डालते हैं अच्छे से। और बादाम मैंने किशमिश दोनों भी हो दी थी छील करके, अब इसमें डाल दी हूँ ऐसे डेकोरेट करके। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो क्या? बहुत टेस्टी बहुत होता है, बस कलर नहीं पता नहीं वो सब क्या कलर डालते हैं, भगवान जाने। तो बने रहिए मेरे YouTube फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों को गुड मॉर्निंग, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी जाने। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है बाहर का, तो निपटा ली हूँ। अभी नाश्ता सोच रही हूँ, कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले मैं बनाई थी, बहुत अच्छा बना था, तो आज मैंने सोची कि चलो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कैसा बनता है। बनता बहुत टेस्टी, आप लोगों को दिखाऊँगी तो ज़रूर एक बार आप लोग ट्राई करना। तो चलो दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये सबसे पहले देखिए, ये है मूँग की दाल। ये हमारे गाँव में ऐसे ही मूँग की दाल होती है, छोटे ग्रीन वाला ही होता है लेकिन दाना उसका छोटा होता है। इसको चूल्हा पर अच्छे से भून लेते हैं, उसको फिर जो जांत होता है चक्की उसमें मतलब उसको बोलते हैं दररना, कि छिलका निकल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फटाफट आप धो लो और मतलब नमक हल्दी डाल के चढ़ा दो, फिर अच्छों का लगा लो। तो मैं इस दाल को देखिए उबाल करके, सीटी नहीं लगाई मैंने, कुकर में डाल दी थी बस थोड़ी देर, 10 मिनट उबला, इसको ढक्कन बंद करके छान के मैंने ये ले ली हूँ। और इसको अब हाथ से अच्छे से निचोड़ दूंगी। मैंने आटा तब तक मतलब गूंद करके रख लिया है, इसमें क्या क्या मिक्स करूंगी। तो बने रहिए लोगों को ना, मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि हम तो मटके में पानी भरते हैं, तो पहले छोटा वाला था अब बड़ा वाला ले लिए। तो उसमें क्या है ना, अभी जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है ना, पानी थोड़ा सा इतना एकदम बर्फ जैसा नहीं होता जब शुरुआत में लेके आते, उससे थोड़ा नॉर्मल हो जाता। तो मैं सोच रही थी कि कोई आ जाता है तो पानी पीने के लिए, क्योंकि कई लोगों को ना बिल्कुल ठंडा चाहिए पानी, और स्वप्निल को भी अपना एक बोतल भर के रखता है। तो गर्मी में ठंड में तो इस सब बोतल में रख दो कि गर्म रहेगा। अभी तो आज फिर मैं डोर सिमरन का जो सामान लेके आई थी ना सिमरन, उसमें बहुत सारे सामान ऐसे थे कार्टून में पैक करके मैंने रख दी थी। तो जब मुझे याद आया एकदम से ना कि बोतल देखते उसमें है, क्योंकि मुझे याद था एक बोतल का ब्लू कलर का, जब मैं निकालती हूँ वैरायटी आपको दिखाऊंगी दंग रह जाओगे आप। सबसे पहले ये देखो, अभी मैंने इसमें पानी भरी, मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। ये बोतल जैसा है, ये देखिए, ये बड़ा ही अच्छा बोतल है कि इसमें पानी भर लो। और ये देखिए ऊपर ढक्कन नहीं है इसमें, ये गिलास जैसा। ये अलग अलग तरीके से बोतल खरीदती है, मुझे भी अच्छा लगे, मतलब कभी ऐसे करके किसी को बोतल से नहीं पीना है, ऐसे करके पी लो। तो ये देखिए कितना अच्छा है, और ढक्कन बंद कर दो, ये भी अच्छा है। तो मैंने इसमें पानी भर के बाकायदा भी रख दी हूँ। एक मुझे ये वाला दिखा, इसका भी बड़ा ही, ये देखिए ऐसे यहाँ से पानी भर लो और अच्छे से साफ भी कर लो, और जब पीना है तो छोटा वाला हॉल है। मतलब अलग अलग कैटेगरी की बोतल इसने रखी है, और ये भी बहुत अच्छा लगा, 1 लीटर पानी इसमें आ जाता होगा पूरा। फिर ये दिखा चौकोर वाला, तो मैंने कहा चलो ये भी निकाल लेती हूँ। सब मतलब उसको मुझे लग रहा है कि जब जब कहीं जाती होगी ना तो एक बोतल ज़रूर खरीदती होगी। और एक ये सबसे छोटा है, ये 0.5 लीटर पानी वाला होगा, कहीं भी हाथ में लेके जा सकते हो। अभी बैठे बैठे मुझे 4 बॉटल मिल गए, और 2 जिम वाली थी उसमें भी मैंने पानी भर के रख दी हूँ। और मैं बताऊँ उसकी बॉटल सब देखोगे ना, जो अंदर कांच होते हैं ना, वो वाली कांच है, किसी में मतलब 2 में कांच है पड़ा हुआ अंदर, तो बहुत संभाल के रखना पड़ता। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ ये बॉटल मेरी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना। कई बार आप सोचते नहीं हो कुछ ना कहीं मिल जाता है घर में, तो ये मैंने की बॉटल मुझे अच्छी लगी तो आप लोगों को दिखाई। तो बने रहिए आप लोग, आज मैंने ऊपर रखी हूँ क्योंकि बस इतना ही इतना दिखे, क्योंकि इधर रखती हूँ तो धूप छांव जैसा होता जाता है। इन लोगों को मैं दोपहर में अभी नहीं साफ़ करने वाली हूँ, दोपहर में साफ़ करूँगी और फिर इसमें पानी भर के रखूँगी। तो बने रहना आप लोग। देखिए ऐसे मैं हाथ से सबको निचोड़ के रख ली हूँ गांठ बना बना के, और ये पूरा ड्राई हो चुका है, आप खुद देख लीजिए आप लोग, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, अचार की मसाला डालने वाली हूँ जिससे बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आप चाहो तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो, लहसुन भी, मतलब लहसुन नहीं प्याज बारीक काट के मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सिंपल ही अच्छा लगता है ज़्यादा। और अभी क्या है कैरी का टाइम है ना, तो हम कैरी की चटनी बना करके बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी, दही के साथ भी खा सकते हो। दोनों चीज़ मिला दी, अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको चम्मच से। नमक मैंने इसलिए कम डाला क्योंकि इसमें भी नमक होगा अचार के मसाले में, आप अचार की मसाला नहीं चाहते डालना तो नहीं भी डाल सकते। इसमें प्याज बारीक काट करके, थोड़ी सी कच्चा सरसों तेल और धनिया पत्ता, नमक, मिर्च सब डाल करके अच्छे से मिक्स कर लो आटा में, मतलब जैसे दिखा रही हूँ मैं।
ये देखिए मैं अच्छे से सब कुछ जैसे आलू की चटनी चोखा बनता है वैसे मैंने मेज सब कुछ कर ली हूँ। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है क्या, टूटती नहीं है, मतलब कितना भी इसमें भर दो, मतलब अनलिमिटेड नहीं, लिमिट से जितना भी भर दो टूटता नहीं है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने ये लोई बना ली हूँ। आटा बिल्कुल लूज नहीं और बिल्कुल टाइट नहीं, बीच का जैसे पराठा हम बनाते हैं वैसे। गर्मी बहुत है तो बाल को हमेशा ही लपेट के रखना होता है। और मैं आपको बताऊँ, इस बार ना जो मैं दिल्ली गई थी तो बाल मैंने लास्ट टाइम सोची कि चलो बाल कटवा लेती हूँ, तो बहुत ही छोटा कर दी उसने, मुझे दिख भी नहीं रहा था पीछे से। तो ये देखिए इतना छोटा लोई ली हूँ और इसमें मैं पूरा इसमें भर दी हूँ, ठीक है। तो इसमें भरने के बाद आप ऊपर से और भी डाल सकते हो। तो ये ऐसे मुंह बंद करके, सबसे अच्छी चीज़ है ना ये चिपक जाता है ना, तो ये टूटता नहीं है अपना। लेकिन तभी लिमिट में ही डालना कि बिल्कुल अब पूरा भर देंगे और फिर बोलेंगे कि टूट गया, वो तो हमारी गलती। और हल्के हाथ से इसको मैं चला रही हूँ क्योंकि नीचे मेरा नहीं है मोबाइल कि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ, ऊपर रखा है। तो मैंने लोई बनाना आपको बता ही दी हूँ। और देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने ये देखिए बेल दी हूँ। अब मैं तवे पे डाल देती हूँ और बहुत ही अच्छा, एक भी नहीं टूटेगा मैं बताऊँ आपको। तो तवे पे डाल दी हूँ और दूसरा लोई तैयार करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए, अल्टा पलटा के बना के मैं बताती हूँ। मैंने एकदम से जैसे भरना है वो बता ही दी, लेकिन दाल जब भी आप उबालें अच्छे से इसको पानी निचोड़ ले हाथ से और थोड़ा सा हवा में डाल दोगे तो अच्छा होगा, जो भी पानी होगा वो सोख जाएगा। तो मैं दूसरा भी बना रही हूँ, उसमें भी इतना सारा डाल रही हूँ ये देखिए, क्योंकि दो ही पराठा कोई खाए ना तो लगे कि हाँ खा रखे है ना। तो इसको मैं पलटा देती हूँ, तब तक ये पलटने की हालत में बन चुका है। चलो मैं बैग के मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए दाल कहीं कहीं टूटा है लेकिन निकल नहीं सकता, इसमें अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने पलटा दी हूँ और तब तक मैं इस लोई में भी भर ली हूँ ये देखिए पास से। तो मैं फटाफट इसको भी बेल लेती हूँ। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये जैसे मैंने बताई थी बिल्कुल टूटने उठने का डर नहीं होता, बहुत ही अच्छा ये पराठा आपका बन जाता है और बिल्कुल ईजी तरीके से। मैं बताऊँ तो इसमें कुछ भी झंझट नहीं है कि ये तैयार करना वो तैयार करना, आप काम करते करते भी दाल उबालने के लिए चढ़ा दो। ये हमारा एक पराठा बन के तैयार है और ये दूसरा भी बेला हुआ है, तो ये भी मैं इस पर डाल दी हूँ। टूट भी जाता है ना तो निकलेगा नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये भी इसका मैं बना ली हूँ, तीसरा पराठा भी मेरा रेडी होने वाला है। और चकला मेरा बहुत कलमुहा हो चुका है क्योंकि मैं ठंड में पूरा सेकती हूँ इसको अच्छे से धुल करके। तो ये मेरी पराठे आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो एक एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर हो मेरे चैनल पर नए आप लोग तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कि मैं कुछ ना कुछ रेसिपी भी डालती रहती हूँ, कुछ नया हमेशा करने की कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से। लोगों को नहीं लगता होगा, लोगों को लगता होगा फालतू है, लेकिन अपने हिसाब से करने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया, कि काम आए किसी और को भी। तो अगर पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग, और मेरे चैनल को मतलब एक बार देखना मैं कैसे क्या वीडियो डालती हूँ। तो बस ये हम पराठा बना करके और आज सिंपल ही दाल चावल और आलू का चोखा बनाएंगे, प्याज व्याज सब डाल के अच्छे से, टमाटर सब फ्राई करके जो बनाते हैं हम वैसे। तो और आज जल्दी सब्जी वब्जी, बहुत अब गर्मी पड़ रही है ना, बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी, मतलब बताऊँ अगर तो खाना वाना भी खाने का, दिन में भी खाते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैं बताऊँ बिल्कुल अब ना 7:30 बजे तो मतलब सूरज डूबने लग गए 7:30 बजे, और अब 7:30 बजे आप घर से बाहर जाते हो सब्जी वगैरह लेने के लिए तो घर आते आते बज जाता है 8, जाओ आओ फिर सब्जी लो, 8 क्या मतलब 8:30 बज जाता। तो गर्मी एकदम से बहुत ही बेजोर लगती है। तो ये देखिए हमारी कितनी टेस्टी टेस्टी पराठा बन के दूसरी भी रेडी है, तीसरी चौथी बना लेती हूँ। तो ठीक है आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो में और पराठा बना के, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से काम वाम इधर का थोड़ा सा निपटा करके, क्योंकि इसी टाइम जब कुछ ऐसे बेलने वाला बनाते हैं तभी थोड़ा बातचीत कर पाते हैं, नहीं तो फिर हो नहीं पाता। बहुत दिन के बाद वो भी शादी वादी का ही वीडियो डाल रखी थी। अभी भी क्या है कि शादी वाला वीडियो एक दो पड़ा हुआ मेरा मेहंदी वेदी का, उसमें कॉपीराइट के चक्कर से मैं रुकी हुई हूँ, कुछ देखते हुए इंतजाम। तो ठीक है जी आप लोग बने रहिए और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।